जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर साउथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ए टू जेड आपको समझाता हूँ, इश्तिहार भर्ती है, ठीक है ना। फ्रंटियर कोर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भर्ती रजिस्ट्रेशन मदरजा ज़ैल प्रोग्राम के मुताबिक हो गया। अब बात को समझने की कोशिश करें, सुबह 8 बजे से आप 2 बजे तक इसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है नंबर से देखेंगे तकरीबन पूरे पाकिस्तान से भर्ती, ठीक ना, नर्स और निफर पूरे पाकिस्तान, सॉरी सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ज़िला जो है उसके बाद मकाम, फिर ज़िला, फिर मकाम। जनूबी वज़ीरिस्तान 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक हेडक्वार्टर साउथ वज़ीरिस्तान वाना में चले जाएँ। डेर इस्माइल खान वाले वो आ जाएँ 1 से 2 अगस्त, डी खान में टांग वाले भी इधर आएँगे, लकी वाले भी इधर आएंगे, ठीक है, नौशेरे वाले भी इधर आएंगे, सवाबे, चारसदा, मर्दान, पिशावर, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, वरकज़ई, हंगू, ठीक है ना। बटग्राम तक लोगों ने आना है कि यहाँ तक डी खान कैंट में। अब इसमें से तारीख़ आप लोगों ने खुद देख लें, मैं एक चीज़ आपको समझा यहाँ पर नहीं सकता, तारीख़ आप लोगों ने खुद यहाँ से वाच करनी है। यहाँ से नीचे आएँगे वरकज़ई है, ठीक है ना, 1 से लेकर 3 अगस्त तक हेडक्वार्टर टल स्क्वाड, ठीक है, वहाँ पर आप चले जाएँ। इस तरह कुहाट वाले भी वहाँ जाएंगे, करक वाले भी वहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से नीचे थोड़ा सा आएंगे मोहम्मद तोरगर हरिपुर, ये आएंगे 10 से 9 अगस्त 2024, ठीक है। मनसेरा खैबर एबटाबाद, ये 12 से 13 अगस्त 2024। चित्राल स्वात मलाकंड 16 से 15 अगस्त, हेडक्वार्टर इनका वही है टल वाला, ठीक है ना। इसी तरह दीर, बुनेर, बाजवड़, इनका भी वही स्क्वाड है। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान, वो था जनूबी वज़ीरिस्तान, ठीक है। शुमाली वज़ीरिस्तान वाले आएंगे 1 से 3 और 5 अगस्त, हेडक्वार्टर चीफ स्क्वाड्स मेरन शाह में, ठीक है। इसी तरह बनू, करम पड़ चिनार, ठीक है ना। इसी तरह इन लोगों ने हेडक्वार्टर 113 विंग के ऊपर चले जाए भर्ती के लिए, ठीक है। इसी तरह नायब खतीब और इसके इस तरह ए एम ई सी पर सोल्जर क्लर्क कुक मर्द हजरात 5 स्केल से लेकर 11 स्केल तक, ठीक है। इसी तरह असामी है ई एम ई सिपाही, ठीक है, इनका उम्र जो रखा गया है वो रखा गया है 17 से 23 साल तक, ठीक हो गया। इसी तरह सोल्जर क्लर्क 17 से 23 साल तक, लेकिन इन लोगों ने डी खान में ही आना है, ठीक है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 16 अगस्त 2024 से डी खान में आ जाना है जिन्होंने ई एम ई में अप्लाई करना हो। जिन्होंने 17 अगस्त से 19 अगस्त 2024 में वो डी खान कैंट आ जाए। इसी तरह 20 अगस्त 2024 भी डी खान में आ जाए कुक के लिए। नायब खतीब जो 17 से 28 साल इनकी उम्र रखी गई वो भी डी खान में है। और इसी तरह ई एंड एम और बी एंड आर, ये मेरे ख्याल में ये कोई और मतलब इस दफ़ा इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो इसके ऊपर देखेंगे कि ये क्या है। भर्ती के मग़यार क्या है, कद जनरल डिप्टी सिपाही के लिए 5 फुट चेंज रखी गई है, और इसी तरह शुहदा के बच्चों के लिए 1 इंच की रियायत की जाएगी। सोल्जर क्लर्क जो है ठीक है, सोल्जर क्लर्क के लिए 5 फुट 4 इंच है। ईएमई सिपाही और कुक के लिए 5 फुट 4 इंच है। नायब खतीब 5 फुट 4 इंच है। और इसी तरह फिर लास्ट में वही रखा गया 5 फुट 4 इंच, ठीक है। अच्छा, छाती जो है 33 31 मल्टीप्लाई 33 आपके होने चाहिए, आपके तकरीबन पूरा होगी। उम्र जो है 30 सितंबर 2024 को कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होने चाहिए, ठीक है। फ्रंटियर कोर वाले को 2 साल की रियायत दी जाएगी। अब जनरल डिप्टी की अगर बात चाहिए, तालीम की अगर मतलब थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको समझाता चलूँ, तालीम आपके पास फ्रंटियर कोर के बच्चों के लिए मिडल तक रियायत की जाएगी। इजाफी काबिलियत रखने वाले अपने काबिलियत सर्टिफिकेट, मिसाल ड्राइविंग लाइसेंस और हाफिज कुरान सर्टिफिकेट वगैरह हमरा लाएँ। ई एम ई सी भाई, ठीक है, इसमें मेट्रिक या सेकेंड डिवीज़न है। गाड़ी, मिस्त्री, डेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो भी आपको काम में महारत रखते हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। और सोल्जर कलर के आपके पास FA FSC फर्स्ट डिवीज़न बामा कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। कुक जो है ये मिडल पास हो, जिसमानी तौर पर मतलब सही हो। नायब खतीब जो है मेट्रिक पास हो, ठीक है ना। फारिग फाजिल दर्स निज़ामी वफाकुल मदारिस ग़रीबिया, ठीक है ना, अरबिया, हाफिज कुरान को तरजीह दी जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह बामा डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल का कोई पोस्ट, ठीक है ना, ओवरसीयर जो पोस्ट है, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिकल का जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तालीमी असनाद की कि आपको कौन कौन से अपने साथ लेके जाने हैं, तालीमी असनाद बामा मुतलक बोर्ड से तस्दीक शुदा ना होने की सूरत में ज़हमत ना करें, तो बोर्ड से पहले आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है। 4 अदद पासपोर्ट साइज़, ठीक है, इसी तरह शिनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल जिसमें कौमियत ज़ाहिर हो,
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लाएँ, फ्रंटियर कोर शुदा हाजिर सर्विस हजरात अपने डिस्चार्ज जो भी मतलब उनकी कापी वगैरह तो अपने साथ लेके जाएँ, ठीक है। वो शख्स जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस डिस्चार्ज बा बर्खास्त शुदा हो या भगोड़ा हो ये या गैर हाजिर हो चुके, वो शख्स किसी जुर्म में अदालत या तो मतलब अगर कोई बंदा है गवर्नमेंट में और वो डिस्चार्ज उसके पास नहीं है, भगोड़ा हो चुका है, तो वो इसमें अप्लाई ना करें क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, तो जहर सी बात है फिर ना ही करें अप्लाई तो ठीक होगा। जेली असनाद सफारश पर भर्ती होने की कोशिश करें उनके रिश्वत और देने की कोशिश वाले को कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब ये नीचे हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। मोबाइल वगैरह अपने सामान साथ में ना लेकर जाएँ, ठीक है ना, और तहरीर इम्तहान के लिए कलम वगैरह अपने साथ लेके जाएँ। तो ये थी लेफ्टिनेंट कर्नल बराए इंस्पेक्टर कोर फ्रंटियर कोर साउथ, ये भर्ती है। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो भर्ती हो रही है तकरीबन डी खान में हो रही है, ठीक है ना, और भी इसमें है स्क्वाड्स लेकिन तकरीबन ये भर्ती डी खान में, क्योंकि अब देखें ना अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊँ, ये देखें क्लर्क का सारा डी खान में आ रहा है, सोल्जर भी यहाँ पर है, सारा कुछ यहीं पर आ रहा है, ईएमई भी है, ठीक है, ईएमई सिपाही भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लें अगर आपको डी खान आना चाहते हैं तो डी खान के लिए इतना ख़र्चा तो आपका नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप कुहाड़ से हैं, वर्गजे से हैं और बडग्राम शांगला से हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपका पैसा लगेगा थोड़ा बहुत। तो देख लें, अल्लाह पाक आपका रोज़गार लगा दे, तो हमारी तो यही दुआ है, हमारी कोशिश भी यही है कि आपको रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ, और जो भी मतलब नौकरी आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर करता जाऊँ। तो देख लें अगर आप आना चाहते हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, डी खान में आएँ और अप्लाई करें। गर्मी है, जाहिर सी बात है गर्मी का अब तो मौसम भी है, और लेकिन इतने भी नहीं है, बस जून जुलाई गुजर गई, अगस्त में इतनी गर्मी नहीं होती, तो आ जाएं अपने रोज़गार की तलाश में आ जाएं तो बेहतर होगा, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। बाकी मेरी कोशिश है जो भी जॉब्स वगैरह आते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँ मैं किसी फोर्स में काम नहीं करता, ठीक है ना, मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी फोर्स में काम नहीं करता, मेरा सिर्फ काम है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है ना। कोई भी जॉब्स आते हैं, फॉरनर्स में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, मेरा काम है उनको एक्सप्लोर करना। बाकी रिस्क देने वाले अल्लाह पाक की जाते हैं, ना मैं हूँ ना कोई दूसरा है, ठीक है ना, जहाँ पर भी आपका दाना लग जाते हैं आप पहुँच जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन।